बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को आज के समय में कौन नहीं चाहता। वो पुराने दौर की बातें थीं जब लोग इससे दूर भागते थे, लेकिन अब समय बिल्कुल बदल चुका है। मगर पुराने दौर की कुछ ऐसी बातें थीं जो आज तक कोई नहीं भुला सका। वो हैं उस दौर के बॉडी बिल्डिंग के महानायक। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में और बात करेंगे उन कुछ बॉडी बिल्डर्स के बारे में जिनका आज तक कोई भी बॉडी बिल्डर मुकाबला नहीं कर सकता। रॉनी कोलमैन। दोस्तों, इनके परिचय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें कि ये प्रोफेशनल IFBB बॉडी बिल्डर थे जिनका जन्म 13 मई 1964 को यूनाइटेड स्टेट्स के मैनरो में हुआ। आप में से बहुतों को तो ये भी पता नहीं होगा कि मिस्टर ओलंपिया चैम्पियनशिप क्या है, तो हम आपको ये बता दें कि ये वो प्रतियोगिता है जो विश्व स्तर पर आयोजित की जाती है, जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग हिस्सा लेते हैं ताकि वे अपनी बॉडी का लोहा मनवा सकें। उस मैदान में रॉनी कोलमैन ने लगातार 8 साल मिस्टर ओलंपिया के खिताब को हासिल किया तथा विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 5 फुट 11 इंच की हाइट और 140 किलो वजनी इस महानायक ने उस वक्त लगातार खिताब अपने नाम करके पूरी दुनिया को चुनौती दे डाली थी, अगर किसी में दम है तो हरा कर दिखा दे। बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि जो शख्स रात दिन जिम में खून पसीना बहाते थे, वो भी स्टेज पर आने के बाद रॉनी कोलमैन से हार जाते थे। जे कटलर। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के खलनायक रॉनी कोलमैन को कड़ी टक्कर देने वाला एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो न केवल एक IFBB बॉडी बिल्डर था, बल्कि इस खिलाड़ी ने 4 बार मिस्टर ओलंपिया के खिताब को अपने नाम किया, वो है जे कटलर, जिनकी हाइट 5 फुट 10 इंच है और इनका वजन 130 किलो से भी ज़्यादा है। 4 बार मिस्टर ओलंपिया के खिताब को अपने खाते में लिखने की वजह थी इनके शरीर की कमाल की मस्कुलरिटी और बेमिसाल कटिंग्स। इनके शरीर की शेप एकदम परफेक्ट थी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसा और ढेर सारा समय हो तो जिम जा सकते हैं, वरना नहीं। तो हम आपको बता दें कि जे कटलर अपने वक्त में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते थे और उसके बाद जब फ्री होते तब जाकर वो जिम जाते थे। इतनी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने अपने नाम को दुनिया भर के सामने लाकर रख दिया, जो कमाल की बात थी। डोरियन येट्स। डोरियन येट्स को दुनिया के 10 विशालकाय बॉडी बिल्डर्स की गिनती में गिना जाता है। इसकी मूल वजह है 1992 से लेकर 1997 तक लगातार मिस्टर ओलंपिया का खिताब हासिल करना। इनकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही हार्ड था। ये जो वर्कआउट जिम में करते थे वो आमतौर पर हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं कर पाता था। बड़े ताजुब की बात थी कि उस वक्त से लेकर अब तक हर एक बॉडी बिल्डर किसी चैम्पियनशिप को जीतने के लिए जिम में 6 दिन मेहनत किया करते हैं, वहीं डोरियन येट्स सिर्फ 4 दिन वर्कआउट किया करते थे। इसके बावजूद भी ये 6 बार मिस्टर ओलंपिया बने रहे। इनकी बॉडी के उस वक्त के लोग बहुत ही दीवाने थे और आज भी हर जिम में इनकी बॉडी के दीवाने आपको मिल जाएंगे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। बॉडी बिल्डिंग जगत के ऐसे हीरो जिन्होंने दुनिया को बॉडी बिल्डिंग के नाम से अवगत कराया, वो हैं सर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर ये न होते तो शायद बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हम लेट ही आँखें खोल पाते। इनके वक्त के दौरान इन्होंने न केवल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई, बल्कि 1970 से लेकर 1980 के दौरान आर्नोल्ड की कभी ना बूढ़ी होने वाली सोच ने इनको दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डर का खिताब नाम कराया। इनकी बॉडी सच में देखने लायक थी। आज भी आपको हर जिम में आर्नोल्ड की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, जहां आपको लिखा मिलेगा गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। केविन मार्क लेवरॉन। एक ऐसा शख्स जिसे 90 के दशक का बेस्ट बॉडी बिल्डर का खिताब मिला, वो हैं केविन मार्क लेवरॉन। इनका जन्म 16 जुलाई 1964 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वॉल्टीमोर में हुआ। केविन न केवल एक IFBB बॉडी बिल्डर थे, बल्कि उन्होंने अपने वक्त में 68वीं IFBB प्रो चैम्पियनशिप भी अपने नाम की थी। लेकिन इनका एक बड़ा सपना कभी पूरा ना हो सका, वो था रॉनी कोलमैन की तरह मिस्टर ओलंपिया के खिताब को हासिल कर पाना।
इनका ये सपना इनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ सपना बनकर ही रह गया। फिर भी केविन की बॉडी इतनी शानदार थी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे तगड़ा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम फिर से हाजिर होंगे एक ऐसी ही मज़ेदार व जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। धन्यवाद।